तो ये सीक्रेट बिल्कुल बहुत अच्छा सीक्रेट है। इसमें ये है कि जो मेरी एकेडमिक एजुकेशन है वो इकोनॉमिक्स है। ओके, तो आर यू बी सरप्राइज टू नो कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमिक्स में आप जो है ना वो कोई भी चीज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं लिखते, एरोज फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में, मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स होता है कि क्या चीज़ पूछ रहे हैं। हम लोग बुक पढ़ के जाते थे और टीचर उस बुक में से कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं था। वो टू द क्वेश्चन कभी हमें टू द पॉइंट मिला ही नहीं, क्वेश्चन हमेशा इम्प्लाइड मिला, अपने दिमाग से लिखना होता था, तो हम वहाँ पे अटेम्प्ट करते थे। तो ऐसे लोग जो है क्या मिस क्या करते हैं बताएं, वो पढ़ लेते हैं कहीं पे ऐसे वो छाप के आते हैं, वो कॉन्सेप्ट को मिस करते हैं। जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट पे लिखना होता है ऐसे, जो आपने जो टॉपिक पढ़ी है आपने वो टॉपिक नहीं होता ऐसे का, हमेशा हमेशा दूसरी चीज़ वो पूछते हैं जो आपको अकेडमीज देती हैं या कहीं पे आपने अखबार में पढ़ा होता है। तो आई अटेम्प्टेड डिफरेंट एसेज ऑन इस्लामिक नॉलेज और सम ऑफ द एसेज आई अटेम्प्ट ऑन इकोनॉमिक्स। तो मेरे जो मैंने एक ऐसे अटेम्प्ट किया था 2006 के CSS में, वो था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। तो मैंने कोई एडिटोरियल आधे पेज का पढ़ा था, उसमें मैंने आधे पेज का नहीं बल्कि एक पैराग्राफ था जिसमें टोटल 20 लाइनें होंगी, वो FDI पे था, वो मैंने पढ़ा था, मेरे दिमाग में था। उसमें चार चीज़ें मैंने पढ़ी थी कि पाकिस्तान में जो FDI है वो कम है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम्स अच्छा नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और एक और था रीज़न जो मैंने पढ़ा था, चार रीज़न्स मुझे आते थे। तो फिर मैंने उधर ही वहाँ पे ही सोचना शुरू किया, मैंने 8 रीजंस उसको बना लिए, 4 में से 8 बना लिए। पहले मैंने उनको ऐसे में लिखा कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है, प्रॉब्लम है, पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैंने प्रॉब्लम बताया, फिर उन प्रॉब्लम्स को उल्टा किया, वो सॉल्यूशन बन गए, फिर उनको अपने दिमाग से सजेशन बना ली। तो इसी तरह से अटेम्प्ट हो गया, हार्डली मैंने कोई उस पर कोई 8 से 9 पेजेस लिखे होंगे और मेरे 60 नंबर आए थे। तो ऐसे इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स। लैंग्वेज, योर लैंग्वेज शुड बी फ्लॉ फ्री, एरर फ्री, इट शुड नॉट बी बोम्बास्टिक, इट शुड नॉट बी सो कॉम्प्लिकेटेड। idiom, योर स्ट्रक्चर शुड बी वेरी सिंपल, बट योर एक्सप्रेशन शुड बी वेरी टची एंड इट शुड बी वेरी वेरी प्लीजिंग। एवरीबॉडी वुड लव टू रीड योर आर्टिकल, दिस शुड बी एक्सप्रेशन। जब मैं CSS की तैयारी कर रहा था उस वक्त मुझे बताया गया था कि जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है ना उसका जो पार्ट 2 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो आप जो अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेंगे तो आपका पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर हो जाएगा, CL का पेपर हो जाएगा। तो मैंने इसी स्ट्रेटजी पे तैयारी करना शुरू कर दी। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, पॉलिटिक्स तो मुझे अच्छी लगती ही नहीं थी, तो पढ़ना शुरू किया, मेरे 6 महीने ज़ाया हो गए पॉलिटिकल साइंस में। 6 महीने के ज़ाया होने के बाद मेरा पार्ट 2 की तैयारी तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, लेकिन वो उस साल लो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया, तो मुझे वो रिजल्ट्स उसके नहीं मिले। तो बाकी लोगों ने, किसी ने रखा था जर्नलिज्म रखा था, किसी ने फॉरेस्ट्री रखा था, उनको अच्छे नंबर मिल गए थे। तो स्कोरिंग जो है ना वो सब्जेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, ट्रेंड के हिसाब से आजकल कौन सा ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट रखना होता है। लेकिन अगेन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना उसमें भी आप मैनिपुलेशन करते हैं अपने एक्सप्रेशन की, अपने लैंग्वेज की, क्योंकि मेरा जो हर क्वेश्चन होता है वो ऐसे फॉर्म में होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसकी बॉडी होती है, उसका कंक्लूजन, एवरीथिंग आई राइट इन दिस फॉर्मेट के फर्स्ट इंट्रोडक्शन देन बॉडी देन कंक्लूजन। तो दिस इज़ हाउ योर अटेम्प्ट गिव्स यू गुड नंबर्स। तो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट माशाल्लाह हर अटेम्प्ट में 65 प्लस होते थे। मैं जगह अगर अपने आप को देखूं और आज की यूथ को देखूं तो उस वक्त मुझे लगता था कि जो मंजिल है वो बहुत मुश्किल है, वसाइल बहुत कम है और टैलेंट बहुत कम है। अब तीनों चीज़ें जो है ना मेरे लिए बेकाबू थी, मेरे काब पकड़ में नहीं थी। तो मैंने अनथक मेहनत की थी, यानी कि उस वक्त इंटरनेट नहीं होता था, रिक्रिएशन के लिए हम लोग इंटरनेट कैफ़े पे जाते थे। मोबाइल तो हमारा था, उसमें इनकमिंग भी जो है पैसे लगते थे, आउटगोइंग भी पैसे लगते थे, तो मेरे पास मोबाइल होता था लेकिन यूज़ नहीं करता था,
कोई पैकेज वगैरह की चीज़ ही नहीं थी, स्मार्टफोन्स होते नहीं थे। तो उस वक्त इंटरनेट के एक घंटे ज़ाया होने की वजह से मैं इतना परेशान होता था कि घर में आके मैं उसको कंपनसेट करता था, एक घंटा मेरा ज़ाया हो गया है, अब मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। मतलब इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। आजकल के यूथ में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दे आर डिट्रैक्टेड, और उसके बाद ये है कि वो दे आर रूइनिंग देयर टाइम। टाइम इज़ मनी, वी हैव टू कैश इट। पीपल आर रूइनिंग अ लॉट ऑफ टाइम। मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने भतीजे और मेरे अपने भांजे, वो भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं उनको देखता हूँ, मुझे दुख होता है कि वाई आर दे रूइनिंग देयर टाइम। मैं अपने आप को हमेशा अपने बड़े भाई से कंपेयर करता था, उनसे कंपटीशन में होता था कि भाई अगर वो फॉरेन सर्विसेज में आए हैं तो मुझे पुलिस में आना है, मुझे DMG में आना है। तो मैं अपनी उससे ज़्यादा मेहनत करता था कि भाई मुझे ये पहुंचना है, और इसीलिए मैं अपना टाइम जो है ना वो ज़्यादा पढ़ाई को देता था। आजकल के यूथ पढ़ाई को टाइम नहीं देते, दे आर रूइनिंग देयर टाइम ऑन मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स एंड ऑल दिस थिंग्स। हाँ जी, ये बिल्कुल है। हम भी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़े हैं, कोई एजुकेशन में नहीं पढ़े। जब हमारी यूनिवर्सिटी में पहला इनकाउंटर हुआ फीमेल के सामने, तो वी वर वेरी शार्प, वी आर वेरी शाय एंड वी आर नॉट एबल टू स्पीक। हमें तो उर्दू बोलने में भी जो है वो मुश्किल होता था। तो ये बेसिकली आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो होता है वो मैटर करता है। अगर अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड में हैं तो जो है ना वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। तो ये जो रीडिंग राइटिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ये भी कम्युनिकेशन स्किल है। स्पोकन की बात कर रहे हैं, वो भी कम्युनिकेशन स्किल है। तो जो जो अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं, जिस तरह से सखर IB में लोग पढ़ते हैं, ZBIS में पढ़ते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन डेली बेसिस पे होती है, ठीक है। और ये जो कराची IB में पढ़े होते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन आर फार फार बेटर देन द पीपल हु आर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस। उनको तो एक तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, और दूसरी बात ये होती है कि बहुत जो लोग होते हैं वो अपने आप को हमेशा अंडरमाइन करते हैं फाइनेंशियली, सोशली, और उनके अंदर उनके दिमाग के ऊपर जो है ना बड़ा प्रेशर होता है कि भाई मैं इसको फेस नहीं कर सकूंगा। तो उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो लो होता है, इसीलिए उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वो अच्छी नहीं होती।